हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का इस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के 22 डेज क्रैश कोर्स में। तो आज है 13 मई, यानी कि इस क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे, और ये क्रैश कोर्स चलेगा आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक। तो वी एज अ टीजीएम द ग्रेट मेंटर टीम आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लाए हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी आपको, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलियम इज़ अनदर नेम फॉर पोटेशियम, गोल्ड या कॉपर। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सब के जो सिंबल्स हैं वो लैटिन नेम से लिए गए हैं। इफ़ यू नो, लैटिन नेम से सबके सिंबल लिए गए हैं। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि हर एक एलिमेंट का सिंबल क्या है। तो पोटेशियम का अगर देखोगे तो कैपिटल के है, गोल्ड का AU और कॉपर का है CU। तो ये जो के जो है ये डिराइव किया गया है हमारा कैलियम से, जो कि इसका लैटिन नेम है। ऑल राइट, सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट आवर आंसर कि कैलियम इज अनदर नेम फॉर व्हाट, इट्स फॉर ए पोटेशियम। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरिन, सी क्लोरिन और डी ब्रोमिन। तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात की जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम कंसिडर करते हैं हैलोजन्स को फर्स्ट। ओके, तो हैलोजन्स आर कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ है हमारा ऑक्सीजन तो नहीं होगा, तो यह है फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर वाइज उसकी पावर जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की, वो डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन। ओके, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नथिंग बट योर फ्लोरीन, एंड देन कम्स क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। ओके, ऑलराइट। तो क्वेश्चन दिया गया है, बोरॉन इज व्हाट, इट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या मिक्सचर। तो ये जो सब एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि है हमारा बोरॉन है, आर्सेनिक है, या सिलिकॉन फॉर दैट मैटर ले लो, तो ये सब जो हैं ये सब एक क्लास में आते हैं मेटलॉइड्स के। ओके, तो मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वो होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, यानी कि दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है, वो होता है मेटलॉइड। तो बोरॉन क्या है, नथिंग बट सी मेटलॉइड। ओके, तो क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोथ ए एंड बी। तो देखो, बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता, बिकॉज जब दोनों भी होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा तो ऑक्सीडेशन का दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, उसे कहते हैं रिडक्शन। All right, so oxidation is what? A, loss of electron. Nitrate or nitric oxide is an example of what? तो कभी भी ऐसे questions आएंगे जब nitrate या nitric oxide रहेगा, तो याद रखिए कि ये जो होते हैं हमेशा oxidizing agent होते हैं, और जो sulfide groups होते हैं वो mostly reducing agents का काम करते हैं। All right, so nitrate and nitric oxides are what? Mostly oxidizing agents. क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है? तो ब्रोमीन का तो होता है, डेफिनेटली वी नो। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में होता है, जो हमारा टेबल सॉल्ट है वो, और ग्लास भी सॉलिड फॉर्म में होता है जिसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन एक ऐसा मेटल है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड में होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऑल राइट, so C, mercury, which does not have a melting. All right, so rusting of iron is an example of what? Oxidation, reduction, hydrogenation या sulfonation. तो rusting मतलब क्या होता है? Rusting of iron अगर आपने देखे होगा तो लोहे को जो भी rust पकड़ता है, why? It is because कि जब iron जो है हमारा, it reacts with oxygen. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, अगर इसके प्रेजेंस में वो रिएक्ट होता है तो ही वो रस्टिंग फॉर्म करता है।
okay, and this rusting is obviously it is reacting with the oxygen. तो ये प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. सो ए ऑक्सीडेशन जो है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयन के केस में. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ए जी रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट? मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और लिथियम. तो सिंबल्स तो पता होंगे आपको कि पीरियोडिक टेबल में. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है उसमें मर्क्यूरी, इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोग सिल्वर और मर्क्यूरी में. तो मर्क्यूरी का जो है सिंबल है HG, सिल्वर का है Ag, गोल्ड का आपको पता होगा Au एंड लिथियम इज Li. ऑल राइट, सो दिस इज आवर आंसर कि Ag क्या रिप्रेजेंट करता है? B, सिल्वर. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम इज कॉल्ड. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम इज नथिंग बट योर लैंथेनाइट्स. ओके, सो ए लैंथेनाइट इज आवर ऑप्शन. क्वेश्चन है यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड हमको पूछा गया है. तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. बहुत ही इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4, राइट? H2SO4, जहाँ पे हमें सल्फर जो है एस जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जैसा हमने पढ़ा था, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स की वैल्यू लेते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा +1 और ऑक्सीजन होगा -2. ऑल राइट, सो सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें. हमारे पास दो है हाइड्रोजन्स, राइट, प्लस सल्फर का वैल्यू तो हमें निकालना है, एंड देन 4 ऑक्सीजन्स इज इक्वल टू 0. ओके, ये मत भूलना, इट्स इक्वल टू 0, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो ये हो जाएगा एंड देन -8 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ऑन द राइट हैंड साइड, ये आएगा +6. ओके, सो व्हाट यू हैव गॉट, नंबर ऑफ, यस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ए, +6. ईजिली आ गया है आंसर. ऑल राइट, द क्वेश्चन इज एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 15. अगर उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल इट शो सिमिलियर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अगर 15 एटॉमिक नंबर रहेगा तो वो नाइट्रोजन के साथ ही प्रॉपर्टीज अच्छे से सिमिलरली कर पाएगा. तो सी, नाइट्रोजन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. तो क्वेश्चन है इधर कि C6H8O7 इट्स अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच एसिड, ये हमको पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है और टार्टरिक एसिड. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एसिटिक एसिड में तो होते हैं 2 कार्बन, राइट, ऑक्सैलिक एसिड में भी होते हैं 2 कार्बन और टार्टरिक एसिड जो होता है इसमें होते हैं 4 कार्बन. तो सिट्रिक एसिड एक ऐसा है जहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, और हमारे फॉर्मूले में भी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन जो है 6 है. ऑल राइट, तो अल्टीमेटली हमें हमारा आंसर मिल गया है इस ट्रिक से कि ये जो फॉर्मूला है इट इज़ अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? सिट्रिक एसिड. ऑल राइट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर - विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ओके, तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या? विच शोज़ द बेसल प्रॉपर्टीज. जैसे NaOH हमारा बेस है, उसी तरह से बेसल प्रॉपर्टीज अगर वो शो करता है तो उसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, और अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 होगा तभी. ऑल राइट, सो D11 इज आर ऑप्शन. ओके, तो एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 इज वॉट? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या बोथ ऑफ दिस? तो ये जो होता है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो या फिर BF3 है, ब्रोमीन है, सिर्फ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब जो है ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं. और न्यूक्लियोफाइल में मोस्टली जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे कि अमोनिया है, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं. तो AlCl3 है, क्या है हमारा अमोनियम क्लोराइड? इट्स बी, इलेक्ट्रोफाइल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन की एक टेक्निक है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट. जो सब्लिमेशन होता है उसे, उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन. तो ये कहाँ पे होता है? मोस्टली नैप्थलीन में होता है. नैप्थलीन ले लो, कैम्फर ले लो, ये सब एग्जांपल्स हैं बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन जो है. ओके,
और केरोसिन ग्लिसरॉल ये जो है ये दोनों भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ये हमारे ऑप्शंस नहीं है. ऑल राइट, सो नैप्थिलीन इट इज़ एन एग्जाम्पल और इट इज़ एन मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सबलिमेशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं. देन डू नॉट गेट कंफ्यूज, हमेशा ये ऑर्डर याद रखिए, कार्बन के बाद हमेशा नाइट्रोजन आता है. तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो नाइट्रोजन का होगा 7. ऑल राइट, और ऑक्सीजन का होगा 8. ओके, ये ऑर्डर हमेशा याद रखिए. तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट, 7. ओके, 7 इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द लोअर अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. हमेशा एक तो याद रखो एटमॉस्फेयर पूछा गया है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट या यूनिवर्स ये सब भी पूछा जा सकता है. राइट ना, हमें सिर्फ एटमॉस्फेयर पूछा गया है. तो हाईएस्ट अमाउंट में क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन और लोएस्ट अमाउंट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो सी कार्बन डाइऑक्साइड इज आर राइट आंसर. The elements which have tendency to form positive ions. तो पॉजिटिव आयन्स सिंपली कौन फॉर्म करते हैं, मेटल्स. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा Ag+, Cu+, क्या है, ये सब मेटल्स हैं जो कि पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं. ऑलराइट, सो ये है बी, मेटल इज आर राइट ऑप्शन. The isotope ड्यूटेरियम ओके ऑफ हाइड्रोजन हैज, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें अलग रहेंगे, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो बेसिकली उसमें जो होता है एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरियम. ऑल राइट, सो ड्यूटेरियम ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसमें होता है वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इट्स मास नंबर इज, ओके सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एटॉमिक मास, ओके एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बोलो कोई भी एलिमेंट का, तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. कोई भी मास फाइंड करने के लिए आपको किसी का एटॉमिक नंबर सिर्फ पता होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका मास फाइंड कर सकते हो. और हमेशा याद रखना मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जिसकी वैल्यू जो है हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. तो जितना अगर इसका 2 भी रहेगा किसी का या 4 रहेगा किसी का एटॉमिक नंबर, तो उसका मास नंबर जो है डबल हो जाएगा उससे, उसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8. तो अभी सिंपली सोडियम का क्या है, 11 है एटॉमिक नंबर, तो इसका ऑलमोस्ट डबल कितना होगा, 22 विच इज़ नियरली 23 इज एग्जैक्ट वैल्यू. ऑल राइट, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे. सो वॉट इज़ योर मास नंबर फॉर सोडियम इज़ बी 23. ओके, ऑलवेज रिमेंबर ट्राई टू डबल द एटॉमिक नंबर फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास. ओके, क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O3 इज, ये हमेशा याद रखना, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है O3 का हमेशा 0 होता है. तो बी 0 जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है. ऑल राइट, तो क्वेश्चन हमें दिया गया है द न्यूक्लियॉन्स आर, बेसिकली हमें न्यूक्लियस क्या होते हैं वो पूछा गया है. इट्स इट प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स या नन ऑफ दिस. तो न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं मास नंबर या फिर एटॉमिक मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एलिमेंट. तो ये मास नंबर का ही फॉर्मूला क्या है, इट्स नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर कंप्राइजेस एंड मेक्स न्यूक्लियॉन्स, उनको ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियॉन्स आर वॉट, नथिंग बट सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 27 2887 287 या 278. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, हमें पता होना चाहिए रादर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है. ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 17. ओके, और अगर आपको स्प्लिट करना है इसको और स्प्लिट करके देखना है कि किसका सम अप हो रहा है 17 अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, राइट 287 एंड 278. तो बेसिकली राइट 8 + 2 + 7 दैट इज 17. तो इसमें से भी ये जो है दिस इज़ द राइट आंसर. वाई, बिकॉज आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि सब शेल्स जो होते हैं, 4 सब शेल्स होते हैं हमारे K, L, M एंड N.
तो इसमें क्लोरीन के जो हैं केशन में दो होते हैं 8 एंड एम में होते हैं 7. सो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन. ऑलराइट, सो C2H7 ये है हमारा ऑप्शन. ओके, विच इज नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेस. ओके, जो इनर्ट गैसेस हमारे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा है हमें. तो ए, दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर, विच इज करेक्ट. दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, नो, नॉट ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है. और ज़ेनॉन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अमंग्स द नोबल गैसेस, ज़ेनॉन बहुत रिएक्टिव होता है. तो इसमें से इनकरेक्ट जो है वो है सी, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, नॉट ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव नेचर. ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट पीपल गेट कन्फ्यूज. यही क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कॉपर में, एल्यूमिनियम में, मोस्टली जो मेटल्स हैं उनमें. तो याद रखना कभी भी कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर जो है B29 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर. ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट. ओके, यानी कि जो मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होगा कि एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की एक कैपेसिटी होती है कोई एलिमेंट की, वो कहाँ पे अफेक्ट नहीं करती, कौन से फैक्टर की वजह से. एटॉमिक साइज, नो. आयनाइजेशन पोटेंशियल भी नहीं है, एटॉमिक रेडियस भी नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी उसके मेटालिक नेचर से या मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक से. सो सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारा राइट आंसर है. ऑलराइट, द नॉन मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड अदर देन सल्फर एंड क्लोरीन इज. ओके, तो अगर पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, इट इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल लाइन. राइट, हॉरिजॉन्टली जो आपका रोज अरेंज है वो होते हैं पीरियड, और जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं वर्टिकल. राइट, दे आर वर्टिकल इन नेचर. तो जो थर्ड पीरियड में होता है वो कौन सा है कंपाउंड अदर देन सल्फर एंड क्लोरीन. इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर, इट इज़ डी फॉस्फरस. फॉस्फरस जो है ये थर्ड ग्रुप में होता है, विच इज़ नॉन मेटेलिक. स्पेसिफिकली नॉन मेटेलिक यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, सो क्वेश्चन इज, सॉलिड CO2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड. तो बेसिकली ये सब सॉलिड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसके टाइप्स हैं. और सॉलिड CO2 अगर आप देखोगे तो इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं. ओके, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड. ये मॉलिकुलर सॉलिड का ही एक टाइप है, इट्स नॉट ऑफ आयनिक और मेटालिक सॉलिड. ऑलराइट, क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट अकर इन नेचर. मतलब नेचुरली जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है ये मेटल या फिर ये एलिमेंट्स, नॉट मेटल नेसेसरीली. तो पोटेशियम, प्लैटिनम, जिंक या प्रोमेथियम. तो ये प्रोमेथियम जो है ये नॉट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द नेचर. इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज 61, विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग. ओके, सो PM यानी कि D प्रोमेथियम इज, दैट इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट, क्योंकि वो वैलेंसी होती है और वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं मोस्टली बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो D वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन योर शेल. An element has configuration 281 belongs to which group and which period? Okay, so 281 यानी कि उसका atomic number होना चाहिए 11. तो वो कौन से group और कौन से period में आता है? तो 11 अगर आपको याद होगा तो ये sodium का atomic number है. तो sodium आपको याद रखना है कि कौन से group और period में आता है. तो वो आता है first group and third period, यानी कि third जो है आपका horizontal line रहेगा और first vertical line वहाँ पे आता है sodium, which has a electronic configuration of 281. Okay, so A, one first group and third period, that's your right answer. All right. तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल इट्स इक्वल टू इट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट्स इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर. ठीक है, जो ग्रुप नंबर होता है उससे इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल. तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और जिसकी वजह से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए रहेंगे.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके कुछ डाउट्स या सजेशंस भी रहेंगे तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।